राम राम दोस्तों, मैं मनीष सिंह गेरा एक बार फिर से आपका हरियाणा बिंदास बोल चैनल में स्वागत करता हूं। और आज जो मैं एक वीडियो लेकर आया हूं वो अपनी पल्सर NS 200 की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो है। क्योंकि हमारी जो बाइक है उसमें होता क्या है कि फ्यूल गेज तो होता है लेकिन आपका कितना फ्यूल रहता है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं, तो हमको जस्ट अंदाजे से ही उसको देखना पड़ता है कि भाई अभी रिजर्व में है या मेन फ्यूल में चल रही है। क्योंकि वो मेन और रिजर्व का तो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। और जितने भी ये FI वाली बाइकें हैं इनको तो रिजर्व में तो चलाना नहीं चाहिए, आपका कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ जाता है अगर इसको आप रेगुलर रिजर्व में चलाते हो। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि रिजर्व से पहले आपको किस समय पर फ्यूल फिल करवा लेना चाहिए जिससे आपकी बाइक में कोई इशू ना आए। तो अभी मैं सीधा आपको ले चलता हूँ बैक कैमरे से अपने बाइक के मीटर की तरफ। तो दोस्तों मीटर को कर लेते हैं ऑन, ठीक है। अभी आप अगर देखेंगे तो ये जो फ्यूल गेज है इसमें आपकी टोटल जो ये बार होती है 8 होती है, मैंने काउंट कर ली हैं, आप लोग फुर्सत में काउंट कर लेना, ठीक है, या बार कह लो ब्लॉक कह लो एक ही बात है। मान लीजिए फुल अगर आपका है तो इसमें पूरे 8 ब्लॉक हैं, 8 बार हैं, तो इसमें आपका 12 लीटर जो है वो फ्यूल रहेगा। और आप लोगों को पता है 2 लीटर इसका रिजर्व है, तो मतलब कि आपका जो टैंक है रनिंग के लिए वो 10 लीटर का ही टैंक इसको मान के चलिए, ठीक है। अगर इसके मान लीजिए 4 ब्लॉक रहते हैं, 4 ब्लॉक अगर मान लीजिए ख़त्म हो जाते हैं और 4 ब्लॉक के नीचे के रहते हैं तो इट मीन्स आपके पास अभी 7-8 लीटर पेट्रोल और पड़ा है इंक्लूडिंग आपका रिजर्व ऑयल, ठीक है। चलो ठीक है, फिर भी आप चलाते रहेंगे। और जब आपके ये रह जाते हैं 2 मतलब कि 1, 2, 3 अगर ब्लॉक रहते हैं तो समझ जाइए वो 2 से 3 लीटर मतलब 2.5-3 लीटर पड़ा हुआ है विदाउट रिजर्व ऑयल। अगर रिजर्व को जोड़ दोगे तो वो 4 से 5 लीटर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और जब आपका मान लीजिए 2 और 3 ब्लॉक भी चले गए, ये खाली एक ही बार रहता है, एक ही ब्लॉक रहता है, इसका मतलब है वो ऑन रिजर्व ऑयल चल रही है, रिजर्व ऑयल पर चल रही है आपकी बाइक। तो आपको जल्द से जल्द नियरली कोई भी आपका पेट्रोल पंप मिलता है तो वहाँ पर आपको पेट्रोल भरवा लेना है। और ये बात हमेशा ध्यान रखने के, ज़्यादा लंबे समय तक या ज़्यादा बार आपको रिजर्व में FI बाइक नहीं चलानी है अगर आपको अपनी बाइक को सेफ रखना है। और इसमें ज़्यादा कुछ आप नहीं चाहते कि कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप। और दोस्तों मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, एक वीडियो मेरी हरियाणा बिंदास पोल चैनल पे और एक वीडियो मेरी मनी इंडियन राइडर चैनल पर आती रहती हैं। मेरा कहने का यही है दोस्तों कि अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अच्छी लग रही हैं तो उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। उस चैनल का लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स दिया है कि आप कैसे अपने टाइम को सेट कर सकते हो, कैसे जो यहाँ पर सर्विस रिमाइंडर का साइन आता है उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, वो मैंने उस चैनल में डिस्क्राइब किया हुआ है। और अगर दोस्तों आपको कोई भी NS 200 बाइक के बारे में या किसी और बाइक के रिलेटेड आपको कोई भी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट कर सकते हो और मैं उनका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आप जाकर उस चैनल को चेकआउट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी से आप संतुष्ट हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे हरियाणा बिंदास बोल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी टिप्स एंड ट्रिक्स की नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।